वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस, दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख के कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज पहले उन्हें जाके कंप्लीट कीजिए, ताकि इस पार्ट में हम जो भी करेंगे उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ योर सेकंड चैप्टर ऑफ द महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। सो लास्ट पार्ट में हमने तीन टॉपिक्स किए थे, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आज के पार्ट में हम आगे के तीन टॉपिक्स करेंगे। हम करने वाले थ्री आइडियोलॉजीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। हिस्ट्रीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा अलॉन्ग विद द राइटिंग ऑफ द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा कि मुगल जो डायनेस्टी थी उनके रूलर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको डायनेस्टिक हिस्ट्री बोलते हैं। राजपूत के रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एक राजपूत रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स आए थे। तो सबको अगर आप पूरे राजपूत को पढ़ोगे तो डायनेस्टिक हिस्ट्री होगी, मुगल्स पढ़ोगे तो मुगल्स की डायनेस्टिक हिस्ट्री, मराठास की पढ़ोगे मराठास डायनेस्टिक हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वर ऑल्सो बीन रिटर्न। तो डायनेस्टिक हिस्ट्रीज के साथ साथ कल्चरल सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी धीरे धीरे लिखना स्टार्ट हो गई थी, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी, पैसों के, पैसों ट्रेड। स्कॉलर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें वेरियस कम्युनिटीज, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज है एक सोसाइटी में, ठीक है, उनके बारे में लिखना चाहिए, साइंस के बारे में लिखना चाहिए कैसे डेवलप हो रहा है साइंस, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में लिखना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है उन सब के बारे में हमें अपने हिस्ट्री बुक हिस्टोरियोग्राफी में लिखना चाहिए, कल्चरल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, ठीक है, तीन विचारधाराओं से, ठीक है, थ्री थिंकर्स से ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन्फ्लुएंस हुआ था। फर्स्ट वॉज मार्क्सिस्ट हिस्टोरी, सबल्टर्न हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। अब मार्क्स, आपने नाम सुना होगा मार्क्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में नोटेबल स्कॉलर्स में किया था कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स जिन्होंने बुक लिखी थी, मोस्ट फेमस बुक है दास कैपिटल। ठीक है, उन्होंने, उनका क्या कहना था कि सोसाइटी में हमेशा स्ट्रगल बनी रहती क्लासेस के बीच में, ठीक है, स्तरों के बीच में, ऊंच ऊपर वाले स्तर और नीचे वाले स्तर, ऊंचे लोगों में और नीचे लोगों में, अमीर में और गरीब में। ठीक है, तो ये क्लास स्ट्रगल जो है उनको उन्होंने अपने थियोरी में नाम दिया था मार्क्सिस्ट या फिर मार्क्सिज्म। ठीक है, तो धीरे धीरे चल के उनकी बुक से लोग इंस्पायर होने लगे और एक पूरी हिस्ट्री बन गई और एक पूरी आइडियोलॉजी बन गई। आज के टाइम पे बहुत सारे देश है जो मार्क्सिज्म पे चलते हैं, कम्युनिज्म पे चलते हैं, रशिया, चाइना, ठीक है, ये सारे देश जो है वो मार्क्सिज्म फॉलो करते हैं, कम्युनिज्म फॉलो करते हैं। तो इंडिया में भी कुछ इन्फ्लुएंस है मार्क्सिज्म का। ठीक है, तो क्या होता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, द कंसर्न फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर एट द सेंटर ऑफ द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। ठीक है, चीजें कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। ये फोटो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी, वापस करता हूँ। ठीक है, तो इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन रहता है, ठीक है, ये इनको बोला जाता है दी हेड ऑफ दी स्टेट, इनका लिखा भी है वी रूल यू। ठीक है, ये होते हैं प्रीस्ट, ठीक है, धर्मगुरु, ये होते हैं वी फूल यू, ठीक, ये होते हैं सोल्जर्स, ये लिखा है वी शूट एट यू, और ये होती है एलाइट क्लासेस या अपर क्लासेस, वो करते हैं वी ईट फॉर यू, ठीक है, हम आपके लिए खाना खाते हैं, और ये नीचे जो है दे आर दी वर्किंग क्लास, ठीक है, ये जो काम करते हैं, इसमें लिखा भी है वी वर्क फॉर यू। ठीक है, तो ये जो है पूरे, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में रहते हैं, ये एक सोसाइटी के, एक कंट्री के 20% में आते हैं, और ये जो है, ठीक है, जो लोएस्ट है ये
आते हैं 80% ऑफ ग्रुप में। अब डिफरेंस क्या है, इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है और इनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। सो दे आर नोन एज द ऑप्रेसर्स, ठीक है, ऑप्रेसर्स, ये ऑप्रेस करते हैं, और दे आर नोन एज ऑप्रेस्ड, ये ऑप्रेस होते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज हैव्स, इनके पास है, और दे आर नोन एज हैव्स नॉट, इनके पास नहीं है, ठीक है। सो ये इस क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स, और इसी पे पूरा मार्क्सिज्म बेस्ड है। ये हर एक सोसाइटी में आपको मिलेगा, हर एक कंट्री में आपको मिलेगा, जहां पे कंट्री की कुछ पॉपुलेशन के बारे में के पास आधे से ज्यादा वेल्थ होता है, और कम जो ज्यादा मेजॉरिटी में पॉपुलेशन रहती है उनके पास कम वेल्थ होता है, ठीक है। इंडिया में भी वो है, इंडिया में भी 20% जो है उनके पास इंडिया के 80% वेल्थ है, और जो बाकी के 80% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 20% वेल्थ है, ठीक। तो ये क्लास स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। बट जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या बोलती है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, कि हमें ये क्लास स्ट्रगल को एंड करना है, हमें ये क्लास स्ट्रगल नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी कंट्री अब आज के टाइम में मार्क्सिस्ट या कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने सारे पॉपुलेशन को, पूरी कंट्री को, ठीक है, एक अमाउंट का वेल्थ दे रखा है। मतलब कोई भी अपने क्लास से ऊपर नहीं है, ना ही कोई नीचे है, सब एक जैसे, सब इक्वल है। आपका बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा जिस स्कूल में अंबानी का बेटा जाता है, आप भी उसी डॉक्टर से इलाज करवाओगे जिससे टाटा बिरला इलाज करवाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म, ठीक है, मतलब ऑल आर इक्वल, तो क्लास स्ट्रगल है ही नहीं, है कि नहीं। आप कितना भी कमाओ, आप कितना भी वो करो, बट आप रहोगे सेम ही, इक्वल ही, ठीक है। और गरीब, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं रहेगा, वो दिन भर काम कर रहा है, वो भी उसी लेवल पे रहेगा, उसी स्टेटस पे रहेगा जिस स्टेटस पे सामने वाला इंसान रहेगा। ये था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के बारे में इंडिया में स्टडी किया था। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रह्मा एंड द ओरिजिन ऑफ कास्ट, दिस इज गॉड ब्रह्मा, ठीक है। फर्स्ट हायरार्की में आते हैं ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स आर प्रीस्ट्स एंड टीचर्स, प्रीस्ट्स आर टीचर्स यानी धर्म गुरु और शिक्षक, यानी कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान होता है। नेक्स्ट इज क्षत्रिय, क्षत्रिय आर वॉरियर्स एंड रूलर्स, वो जो हमें बचाते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जो राज करते हैं, वो क्षत्रिय, वो पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट इज वैश्याज, वैश्याज आर फार्मर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, वो जो खेती बाड़ी करते हैं, काम धंधा करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको हम वैश्याज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज शूद्रास, शूद्रास आर द लेबरर्स, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करते हैं या वो काम करते हैं जो ये तीन नहीं करते, वो शूद्रास हो गए। लास्ट इज दलित्स और अति शूद्रास, दे आर स्ट्रीट स्वीपर्स, लेटरिंग क्लीनर्स, ठीक है, ऐसे काम जो बहुत गंदे होते हैं, जो कोई भी नहीं करना चाहता, ठीक है, वो दलित होते हैं, अति शूद्रास होते हैं, वो जो काम करने वाले होते हैं उनको अति शूद्रास बोला जाता है, ठीक है, लोएस्ट जिनको बोलते हैं। तो ये है हायरार्की या फिर ओरिजिन ऑफ कास्ट, कास्ट में कैसे डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो जो क्लास स्ट्रगल है या फिर जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने। अमंग द हिस्टोरियंस हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क स्कॉलर्स आर दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड शिरपट अमृत दांगे, ही इज द फाउंडर ऑफ सीपीआई, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबल। तो कुछ नोटेबल स्कॉलर्स थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के रिलेटेड टू इंडिया। कॉमरेड डांगे, अमृत श्रीपद डांगे, एस ए डांगे, वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में अवेलेबल, इंडिया में फॉर्म हुई है, ठीक है, उनके फाउंड वन ऑफ द फाउंडर थे। मोस्टली सीपीआई या फिर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इज एक्टिव इन वेस्ट बंगाल, ओके, दिस इज सीपीआई या फिर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, मोस्टली आप वेस्ट बंगाल में इनको देख सकते हो। आज के टाइम पे सीपीआई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट जब
दो 20 साल पहले सीपीआई बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, और अभी के टाइम पे धीरे धीरे कम हो गई है सीपीआई। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी अ बुक रिटर्न बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ऐसे डांगे ने लिखी थी। नेक्स्ट इज सबाल्टर्न हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है आज के टाइम पीरियड में, जो ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है जिस हिस्ट्री की, वो है सबाल्टर्न हिस्ट्री। The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography. Marxist historiography में ही कहीं ना कहीं subaltern history के बारे में भी हमें पढ़ने मिलता है। कैसे, आगे देखेंगे। The role of the Italian historian Antonio Gramsci. Antonio Gramsci की एक बुक थी The Prisoners, ठीक है, उसमें द फर्स्ट इन्होंने ये थियरी जो subaltern थियरी है उसको फर्स्टली अपने बुक में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद वो इतनी फेमस। बॉटम मोस्ट रैंक, सुलबटर्न का मतलब होता है बॉटम मोस्ट रैंक। बॉटम मोस्ट रैंक यानी कि जो एक हायरार्की के, एक नंबरिंग के सबसे लास्ट में आता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो जैसे आप, हमने ये इंडियन कास्ट सिस्टम देखा था, तो इसमें सबसे लोएस्ट है दलित्स। ठीक है, शूद्रास एंड दलित्स, दलित्स आर ऑल्सो नोन एज अति शूद्रास। ठीक है, तो शूद्रास एंड अति शूद्रास आर एट दी बॉटम मोस्ट रैंक इन दिस हायरार्की। ठीक है, इस नंबरिंग सिस्टम में सबसे बॉटम मोस्ट रैंक पे आते हैं, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सुलबिटर्न। ठीक है, सुलबिटर्न इनको हम बोल सकते हैं। ये जो सुलबिटर्न हिस्ट्री या फिर ये जो मीनिंग है सुलबिटर्न का, काफी वाइड मीनिंग है उसके, काफी बहुत ही ज्यादा गहरा मीनिंग है उसका। आपको हर जगह पे इसका प्रॉपर मीनिंग समझने नहीं मिलेगा, तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये सिर्फ एज एन पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बट आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज कॉलोनाइजर, ठीक है, एक सोसाइटी में, या फिर अगर हम लोग ब्रिटिश राज की बात करें, ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड की बात करें, तो तीन सोसाइटी में तीन पार्ट्स हुआ करते थे। फर्स्ट वॉज कॉलोनाइजर, ठीक है, जो डोमिनेट करता था हमें, तो वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था, तो वो कॉलोनाइजर हुए। नेक्स्ट वॉज कॉलोनाइज, कॉलोनाइज क्या होता था, जो डोमिनेट होके लेता था, ठीक है, जो डोमिनेट होता था, यानी कि हम इंडियंस, ठीक है, बट उनके पास वॉइस होता था, अगेंस्ट जा सकते थे वो उनके, ठीक है, एग्जाम्पल मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री जो थी वो उनके अगेंस्ट आवाज उठा सकती थी, ब्रिटिशर्स के मर्चेंट्स उनके खिलाफ बोल सकते थे, तो ये क्या हो गए, कॉलोनाइज्ड हो गए, डोमिनेट हो रहे थे बट आवाज भी उठा सकते थे। लास्ट वॉज सबाल्टर्न, ठीक है, सबाल्टर्न का मतलब गेट डोमिनेटेड बट कैन नॉट गो अगेंस्ट। ये वो लोग थे सोसाइटी के जो डोमिनेट तो होते थे बट उनके पास इतना भी राइट नहीं होता था जो उनके खिलाफ कुछ बोल सके, यानी दे हैव नो वॉइस, दे हैव नो राइट, दे हैव नो स्पीच एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल स्वीपर्स, वर्कर्स, बेसिकली लेबरर्स, ठीक है, शूद्रास एंड अति शूद्रास आप इनको बोल सकते हो सबाल्टर्न को। एक एग्जाम्पल देने के लिए एक फोटो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे आप ये फोटो देख सकते हो, महाभारत की बहुत ही फेमस इवेंट की फोटो है, दे आर दी पांडवास, ठीक है, दिस इज दी कौरवास, दिस इज द्रौपदी। ओके, जैसे आप सबको पता है कि चीहरन हुआ था उनका पूरे सभा में द्रौपदी का। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, द्रौपदी वॉज अ क्षत्रिय, ठीक है, वो बोलने के लिए क्षत्रिया थी, यानी कि सेकेंड मोस्ट रैंक पे आती थी, बट जब ये इवेंट हुआ, क्या उनके बोलने, उनका जो कहना था, ठीक है, उनका जो मत था या फिर जो वो बोलना चाहती थी, किसी ने सुना उनकी बात? नहीं सुना, ना ही पांडवाज ने सुना, ना ही कौरवाज ने सुना, ना ही बाकी जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सुना, जबकि द्रौपदी वॉज राइट, ठीक है, पांडवाज हैव नो राइट के वो उनको दाव पे लगा सके, ठीक है, बट गलत होते हुए भी के द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, फिर भी किसी ने भी इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि शी डजेंट हैड दी राइट टू स्पीक, ठीक है, उनका कोई भी मत स्वीकारा नहीं गया, उनके उनके राइट्स को कोई भी मायना नहीं दिया गया था, ठीक है, ऑब्वियसली कृष्णा केम टू हर एड, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए आए, बट बेसिक क्लियर, आप पिक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे लोग सोसाइटी के
जिनके साथ गलत हो रहा है बट फिर भी उनके पास राइट नहीं है आवाज उठाने का, कुछ बोलने का। अगर वो बोलेंगे भी तो उनकी कोई भी नहीं सुनेगा, जाने हुए भी कि उनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, सो दे आर नोन एज सबल्टर्न। फोकलोर्स, फोकलोर में फोक सॉन्ग्स आर कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टर्न हिस्ट्री। ठीक है, फोकलोर्स। अब फोकलोर्स क्या होता है कि भजन हो गए, गाना हो गए, पुराने टाइम पे फोक सॉन्ग्स हो गए, जो ये सबल्टर्न होते थे जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ होता था, वो अपनी जो व्यथा है, अपने जो सफरिंग्स है, वो गाने के थ्रू लोगों को बताते थे। आज के टाइम पे अगर आप ये फोकलोर्स देखोगे तो ये रैप के थ्रू आ रहा है सोसाइटी में। ठीक है, रैपिंग एक नया फोकलोर के हिसाब से जन्म हुआ है। जो भी सबल्टर्न्स है जिनकी आवाज लोग दबाते हैं, वो कैसे अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं? फोकलोर से, यानी रैप से। ठीक है, रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबल्टर्न हिस्ट्री। ठीक है, रंजीत गुहा ये इंडिया के एक फेमस सबल्टर्न हिस्टोरियन थे। ठीक है, इन्होंने भी काफी सारी बुक्स लिखी है। However, we may point out that much before the onset of Surbiton ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. ठीक है, Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar ने similar thoughts, ऐसे ही जो विचारधारा है Surbiton वाले ही विचारधारा लाई थी इंडिया में उस बहुत पहले, जब Surbiton ideology इंडिया में नहीं आई थी उससे भी पहले। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रा अति शूद्रा। ठीक है, शूद्रा अति शूद्रा कम्युनिटीज इन बुक गुलामगिरी। उन्होंने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है शूद्राज और अति शूद्राज को, उन्होंने बुक में लिखी थी गुलामगिरी, जिससे आपको पता चल रहा है कि उनको गुलाम रखा जाता था, एज अ स्लेव रखा जाता था। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, शूद्राज एंड अति शूद्राज डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। उन्होंने बताया था कि रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे एक्सप्लॉयट किया जा रहा है उनको। ठीक है, जैसे कि आप एक बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी सुनने मिलती है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्टोरी सुनने मिलती है कि जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, अगर शूद्राज के बच्चे, अति शूद्राज के बच्चे अगर गलती से मंदिर में भी चले जाए तो उनको मार दिया जाता है वैसे ही। ठीक है, पत्थरों से, औरतों को चप्पलों से, ठीक है, जिंदा मार दिया जाता है उनको। ऐसे ऐसे स्टोरीज होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती है शूद्राज और अति शूद्राज के साथ, वुमेन्स के साथ भी सेम होती है। ठीक है, वुमेन्स तो चाहे वो लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो, सबको ऑप्रेस किया जाता था, सबके साथ दुर्व्यवहार एक्सप्लॉयटेशन होता था। The term Shudras and Ati Shudras indicate the bottomest rank in the caste system. ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। The role of the people belonging to the Dalit castes is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. ठीक है, अब देखो दलित जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज अ दलित। ठीक है, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और कल्चरल स्ट्रक्चर है, उसमें दलित्स ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट उनकी जो ये रोल है वो एक्नॉलेज नहीं की गई थी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। ऑब्वियसली कॉलोनियल क्यों करेंगी, ठीक है, उनको तो कोई मतलब भी नहीं है, वो वैसे ही हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को बहुत ज्यादा कंडेम करते थे, बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते थे। बट नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में? क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट को, यानी सबल्टर्न को काफी ज्यादा बुरा मानते थे, वो भी, ठीक है, इंडियंस होके ही वो भी ऐसा मानते थे। इसलिए तो हमारा कास्ट सिस्टम आज के टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट टू ऑफ हिज बुक हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। ये दो बुक है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है, मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सबल्टर्न टाइप। ठीक है, तो उन्होंने दो बुक लिखे हैं दलित्स के ऊपर, क्योंकि वो जब बच्चे थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है बीइंग एज अ दलित। ठीक है, उन्होंने बड़े होके ये पूरे इंडिया की जो ये हिस्ट्री है, जैसा हम सबको पता है कि उन्होंने संविधान लिखा है, ठीक है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने दलित्स को एक स्पेशल प्रोविजंस भी दिए हैं, शूद्रास को स्पेशल प्रोविजंस भी दिए, जिसको हम रिजर्वेशंस बोलते हैं। ठीक, तो
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अपब्रिंगिंग ऑफ दलित्स एंड लोअर कास्ट्स. सो द लास्ट टॉपिक इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री. ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. ऑब्वियसली पहले के टाइम पे मेल्स ही हिस्ट्री लिखते थे, उनके पास ज्यादा डोमिनेंस होता था, तो वो अपने बारे में ही लिखते थे, आदमियों के बारे में ही लिखते थे. ऑब्वियसली वुमेन्स के बारे में ज्यादा हिस्ट्री में नहीं आया इसके वजह से, बट ऐसी बात नहीं है कि वुमेन्स ने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी योगदान नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है. ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग्स ऑफ वुमेन. इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू री थिंक ऑफ द वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री. ठीक है, वुमेन्स के ने जो अचीवमेंट किया है उसको निग्लेक्ट जो किया जा रहा है वो उसको नहीं करे. ठीक है, वो निग्लेक्ट ना हो, हिस्ट्री में लोग पढ़े कि वुमेन्स ने क्या क्या पराक्रम किए थे. इसके लिए वुमेन्स ने अपने हिसाब से फिर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, जिसको हम फेमिनिस्ट हिस्ट्री बोलते हैं. ठीक, फेमिनिस्ट हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल है ताराबाई शिंदे. 19th सेंचुरी क्राइस्टेरा में ताराबाई शिंदे फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बुक लिखी थी, जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना. ठीक है, स्त्री, शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेंट सोशल सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम. ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे तुलना की जाती थी स्त्री पुरुष की. ठीक है, उन्होंने डोमिनेटिंग मेल को या फिर डोमिनेटिंग सोसाइटी को, जिसको हम पेट्रियार्की सोसाइटी भी बोलते हैं, यानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उसको काफी ज्यादा अटैक किया और बोला कि फीमेल्स आर ऑल्सो एज इक्वल एज मेल इन दिस सोसाइटी. इन 1882, ठीक है, 1882 में उन्होंने ये बुक लिखी थी. इट इज नोन एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया. ताराबाई शिंदे ने फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक लिखी थी इंडिया में. फेमिनिस्ट बुक क्या मतलब, अपने हिसाब से, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से बुक लिखे जाने को फेमिनिस्ट बुक ऑफ हिस्ट्री. इन 1888 द बुक रिटर्न बाय पंडिता रमाबाई, नाम बहुत ही फेमस है पंडिता रमाबाई, उन्होंने बुक लिखी थी दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन. ठीक है, अभी हाई कास्ट हिंदू वुमेन क्यों, लो कास्ट हिंदू वुमेन क्यों नहीं, क्योंकि जो फीमेल्स थी, जो वुमेन्स थी, वो हायर कास्ट पे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था लोअर कास्ट से. क्यों ऐसा, जो हायर कास्ट वुमेन्स होते थे उनको कोई हक नहीं होता था सोसाइटी में, उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता था. दे वर जस्ट बिलोंगिंग टू दी फोर वॉल्स इन द हाउस, चार दीवारी में ही उनका घर होता था. बट ऐसा लोअर कास्ट के लिए नहीं होता था, वो अपने पति के साथ काम पे जाती थी, अपने डैड के साथ काम पे जा सकते थे. ठीक है, वो सोसाइटी में उनका कुछ बोलना भी होता था. ठीक है, अगर पति उनका मर गया है तो उनके ऊपर ये ऑब्लाइग्ड नहीं होता था, उनके उनके लिए कंपलसरी नहीं होता था कि उन्हें भी मरना है. बट जो हायर कास्ट वुमेन्स होते थे उनके पास सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता था, अगर उनका पति मरा है तो उन्हें मरना, उनको सती देनी ही पड़ेगी. ठीक है, उनको सोसाइटी में कोई भी प्ले नहीं होता था, वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी सोसाइटी में, तो हायर का काम पे नहीं जा सकते थे. तो हायर कास्ट हिंदू वुमेन ज्यादा सफर करते थे एंशियंट पीरियड में एज कंपेयर टू लोअर कास्ट वुमेन्स. तो पंडिता रमाबाई ने हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में भी लिखा. The feminist literature of the post-independence era concentrated on issues like employment of women, ठीक है, काम जो दिए जाते women's को, treatment meted out to them at their workplace, जो उनके साथ व्यवहार होते थे workplace में जहाँ वो काम करते थे. Their right to political equality मतलब right to vote. पहले के टाइम पे सिर्फ मेल्स को राइट होता था, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स को राइट टू वोट बहुत बाद में मिला. ठीक है, डेमोक्रेसी जहां जन्म लिया अमेरिका, वहां पे भी बहुत टाइम बाद मिला, पहले इंडिया में वुमेन्स को राइट टू वोट मिला. ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी उनको नहीं मिलती थी. अमॉन्ग द रिसेंट पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर, मीरा कोसंबीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड फेमिनिस्ट एसे इन सोशल थियोरी इज ऑफ इम्पॉर्टेंस. ठीक है, आज के टाइम के जो लिटरेचर है, मीरा कोसंबाई ने बुक लिखी है, इट कंटेन्स एसे ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन्स लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर रुक्मणी बाई द फर्स्ट प्रैक्टिशनरी लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, डॉक्टर रुक्मणा बाई फर्स्ट प्रैक्टिशनरी लेडी थी इंडिया की. ठीक है, डॉक्टर बनी थी वो इंडिया की, उससे पहले कोई नहीं बना था. अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र. डॉक्टर
Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy in this context. Her book, Writing, Caste, Writing, Gender, Reading, Dalit Women Testimonies, include her essay on the autobiographies of दलित वुमेन. ठीक है, डॉक्टर शर्मिला रेगे हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं जैसे राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग वुमेन्स टेस्टमोनीज. टेस्टमोनीज यानी जो उनके उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, एट्रोसिटीज हुआ है, उसको टेस्टमोनीज बोलते हैं. इंक्लूडिंग और ऐसे ऑन दी ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन. ऑटोबायोग्राफीज जो दलित वुमेन जो जिनके साथ ये हुआ है, जब वो अपनी पीड़ा लिखती है, जो अपने सफरिंग्स लिखते हैं, उनको अब वो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है. देर have been a numbers of Indian historians who wrote without embracing a particular ideology, among them historians like Sir Jadunath Sarkar, Surendranath Sen, Riyasatkar, G.S. Sardesai and Tryambak Shankar Sejalwalkar are noteworthy. Abhi ye kuch naam hai jinhone historiography likhi hai, jinhone history likha hai, but koi bhi ideology ko support nahi kiya hai. Jaise S.A. Dange ne Marxist ko support kiya, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबल्टर्न को किया, ठीक है, पंडित रमाबाई ने फेमिनिस्ट को किया, वैसे इन सब ने कोई भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर पिक्चर. उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कोई भी एक पक्ष लेके नहीं बोला, उनको जो सही लगा उन्होंने लिखा. In the recent time, historians like Yashwant Dinkar Padke and Ramchandra Guha, etc., have contributed extensively in historiography of modern India. Ramchandra Guha is one of the leading historians today in India. ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखा है, बुक बहुत सारी बुक्स भी है रामचंद्र गुहा की. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. Obviously, Indian historiography society or political evidence से ही, political movement से ही बनती है. उसके अगर कोई भी social changes या political changes नहीं होंगे तो हम history किसके बारे में लिखेंगे. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी parts हुए हैं Indian historiography में जो इस ideology से related नहीं है. So, I hope आपको आज का जो part है वो interesting लगा होगा और knowledgeable लगा होगा. इस पार्ट से हम सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं. आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अब तक. अगर कुछ भी डाउट हुआ है फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.